दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राजधानी में 18 प्लस के लिए वैक्सीन खत्म हो चुकी है। दिल्ली सीएम ने बताया कि अभी वैक्सीन खत्म होने की वजह से कल से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद होंगे। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है और एक बड़ी चिंता है। पहले खुशखबरी बताता हूँ, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में केवल 2200 कोरोना के केस आए हैं। संक्रमण दर भी घट के पिछले 24 घंटों में केवल 3.5% रह गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया, वो अभी भी है। हमें कोरोना से बचने के सभी उपाय करने हैं। अब दूसरी बात, चिंता की बात, आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेज़ बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन ख़त्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है, केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी, मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। अगर इसी रफ्तार से दिल्ली के एडल्ट्स, अगर इसी रफ्तार से हम चले, 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली, तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे, 30 महीने से भी ज़्यादा। तब तक तो न जाने कितनी और कोरोना की लहरें आएंगी, न जाने कितने और लोगों की मौत हो जाएगी। तीसरी लहर से दिल्ली और देश को बचाने का एक ही तरीका है, कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की सुरक्षा दी जाए। बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन, दवाई, इन सब की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के घातक असर से बचाने में वैक्सीन ही सबसे ज़्यादा असरदार हथियार है। वैक्सीन की कमी केवल सरकार की चिंता नहीं है, आम आदमी भी वैक्सीन के इस संकट से बहुत डरा हुआ है। कल एक अम्मा का फोन आया, बोली मुझे और मेरे बेटे को वैक्सीन लगवानी है। मैंने पूछा, अम्मा कितनी उम्र है दोनों की? बोली मेरी उम्र 65 साल है, मेरे बेटे की उम्र 35 साल। मैंने कहा, अम्मा युवाओं की वैक्सीन तो ख़त्म हो गई, आपको लगवा दूंगा। थोड़ा सोच के बोली, अच्छा मेरे वाली वैक्सीन मेरे बेटे को लगवा दे, वो नौकरी के लिए घर से बाहर जाता है, मैं तो बूढ़ी हो गई, उसे तो आगे परिवार भी संभालना है, इसलिए उसका सुरक्षित रहना ज़रूरी है। ये सुन के दिल में बहुत पीड़ा हुई। आज वैक्सीन की कमी की वजह से देश में बेहद मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। अगर देश में किसी पिता, किसी बेटे, किसी भाई, किसी माँ, किसी बहन के सामने ये धर्म संकट है कि वो खुद वैक्सीन ले या अपने परिवार के युवाओं के लिए छोड़ दे, तो इससे ज़्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है। कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए हमें देश में वैक्सीन की उपलब्धता तुरंत बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए केंद्र सरकार को मेरे 4 सुझाव हैं। पहला, भारतीय बायोटेक कंपनी जो कोवैक्सीन बनाती है, वो अपनी वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को देने को तैयार हो गई है। देश में वैक्सीन बनाने वाली ढेरों कंपनियां हैं,
केंद्र सरकार तुरंत उन सभी कंपनियों को बुलाए और उन्हें आदेश दे, उनसे रिक्वेस्ट ना करे, उन्हें आदेश दे कि वे सभी कंपनियां युद्ध स्तर पर समयबद्ध तरीके से वैक्सीन बनाना तुरंत चालू करें। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन सभी कंपनियों को अगले 24 घंटे में बुलाकर ये आदेश दिए जाएं। मेरी बात को अन्यथा ना लिया जाए, इस वक्त एक एक दिन कीमती है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरा सुझाव, सभी विदेशी वैक्सीन, जितनी विदेशी वैक्सीन है उनको भारत में इस्तेमाल करने की तुरंत इजाजत दी जाए, ये भी 24 घंटे में होना चाहिए, इसमें भी बिल्कुल देरी ना की जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेशी कंपनी वालों से बात करे, ये कोई अच्छा लगता है? भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हर कंपनी के सामने जाके आपस में लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र हरियाणा से लड़ रहा है, हरियाणा दिल्ली से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सारे इन कंपनियों के सामने। इससे विदेशों में भारत की क्या छवि बन रही है? भारत सरकार उनसे खरीदेगी तो ये कंपनियां भारत सरकार को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेंगी, और फिर भारत सरकार तो सीधे इन कंपनियों के देशों की सरकारों से बात कर सकती है ना। और भारत सरकार जब इन कंपनियों से बात करेगी तो भारत सरकार तो कई 100 करोड़ की वैक्सीन खरीदने की बात करेगी, तो जाहिर है ये कंपनियां भारत सरकार से कहीं ज्यादा अच्छे से बात करेंगी। तो भारत सरकार को इनसे वैक्सीन खरीद के राज्यों में बांट देनी चाहिए। तीसरा सुझाव, कुछ देश ऐसे हैं, पढ़ने में आ रहा है मीडिया में, कि जिन्होंने जरूरत से ज्यादा वैक्सीन जमा कर रखी है, उनकी जनसंख्या जितनी है उसके हिसाब से उनको जितनी वैक्सीन चाहिए उससे कहीं ज्यादा वैक्सीन वो स्टोर करके बैठे हैं, उनसे भारत सरकार को वैक्सीन लेने के लिए गुजारिश करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और चौथा सुझाव, ये जितने विदेशी कंपनियां वैक्सीन उत्पादक हैं उन्हें भारत में वैक्सीन उत्पादन करने की भी तुरंत अनुमति दी जाए। अंत में मेरा केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि दिल्ली को तुरंत वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि हम फिर से वैक्सीन लगाना चालू करें, अपने वैक्सीनेशन सेंटर खोलें और दिल्ली का वैक्सीन का कोटा भी बढ़ाया जाए। कोरोना की इस लहर में सबसे ज़्यादा युवा जिंदगियों का नुकसान हुआ है,